जय मैं सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लोग हिंदी क्लास ना का डिस्कशन करेंगे, यानी हिंदी में जो भी टेस्ट दिए हैं आप लोग उसका डिस्कशन है। टेस्ट पेपर था 2023, जो फाइनल एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है वही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक, ना 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 दिखाई दे रहा है। ना ये हम लोग डिस्कशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं। ठीक, ना चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देख लिया, जब भी आप लोग को पेपर मिलेगा हिंदी का 100 नंबर का, यानी 100 मार्क्स का होगा, 12th में तीन ही विषय आप लोग का 70-70 रहेगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। हिंदी दोनों में सेम रहेगा, चाहे आर्ट्स से दीजिए या साइंस से दीजिए। इसमें हम लोग को 100 पूर्णांक लिखा है या सब जोड़ के लिखा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। ठीक, परीक्षार्थी के लिए निर्देश पूर्वोत्तर मैंने दिया रहता है और सब सेट में देख लीजिएगा, आपको पेपर मिलेगा उसी में यथासंभव सब दिया रहेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 का आंसर देना है, यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक, अब हम लोग अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न चर्चा करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या इंट्रोडक्शन दिया है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को, जो आपको ओमेयर सीट मिलेगा, उसमें उत्तर पत्रांक पर चिन्हित करें, यानी उसको रंग दें। 50 को रंगिएगा तो 50 नंबर बदलेगा, 50 को रंगना है, ये नहीं कहिएगा कि 100 रंग देते हैं। देख, 10th दे के आए हैं तो आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, सब कोई भली बात ही जान रहे हैं। ठीक, अब हम प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, प्रश्न बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना, चलिए बात करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में देखेंगे कि आप प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार आंसर दें। ये काव्य खंड का क्वेश्चन है। ठीक, काव्य खंड में कह रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अभी कहने का मतलब है कि कोई कविता है या कविते का लाइन, अब ये लाइन बताना है कि किस कविता से है, किसे है, पुत्र से वियोग, यही ना है। अब सुभाष पूछ लेगा पुत्र वियोग के राइटर का नाम क्या है, सुभाष सुभाष कि सुभद्रा कुमारी, चंपारण। सुभद्रा कुमारी। अच्छा, तो इसमें तो और भी कहानी लेखन का नाम है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान तो प्यारे नन्हे बेटे को कौन, किस को राइटर बताइए इसका, बोलिए। विनोद कुमार। अच्छा, हार जीत बोले, अशोक वाजपेयी, आपूसा, शमशेर, शमशेर। अब देखिए यहाँ हम चारों क्लियर करते हैं। चारों क्लियर करने का अर्थ है कि हो सकता है कि आगे राइटर के बारे में पूछ ले, तो का यही क्लियर हो जाएगा तो क्लियर, फिर एक बार बात कर लीजिए। पुत्र वियोग के राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, प्यारे नन्हे बेटे की विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, आहूषा शमशेर। हिंदी हिंदी बुक के यानी हिंदी किताब के काव्य खंड का है, अगला भी काव्य खंड का है। अच्छा, ये लाइन सब क्या, इस प्रश्न सब लोगों को क्या समझ में कि हर एक कविता 2 बार 4 बार पढ़ना है, क्योंकि लाइन उसमें से देगा और पूछेगा, यही रीजन हिंदी में भी इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में भी पोएम सब पढ़िएगा बढ़िया से ध्यान से, उसमें भी ऐसा ही लाइन दे देता है, पूछता है।
अच्छा, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? किसे? गांव का घर। अब पूछा जाए कि गांव का घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, यही लिख लीजिएगा राइटर, ज्ञानेंद्र पति। अधिनायक का? रघुवीर। रघुवीर जन जन का चेहरा एक के है? गाजानन। अच्छा, हार जीत यहाँ भी है, हार जीत यहाँ भी है, तो बताइए हार जीत का राइटर? एक से अगला भी हो गया। अगला पढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि लाइने से दिया है, कोई कविता के लाइन है, अब देखते हैं। जागिए ब्रज राज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? सूरदास। सूरदास के पद से। अच्छा, दोनों लेसन लगातार है, एगो तुलसीदास के पद, एगो सूरदास के पद, इसमें राइटर पूछेगा ही नहीं, चूंकि सूरदास का सूरदास पद और तुलसीदास का तुलसीदास, और पूछेगा कभी आगे चल के कि छपिया का राइटर कौन है, लेखक कौन है, कवि का राइटर के। इससे सूरदास हो गया, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तो छपिया का राइटर नाभा दास है और कवि का भूषण है, ठीक। एक से हम लोग चारों ऑप्शन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाम, नाम ले भैरे उदार एक उदार एक प्रभु दासी दास कहाई, बोलिए लोग किस पंक्ति से? तुलसीदास। ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था तुम्हारा सूरदास, नीचे वाला हो गया तुलसीदास। अच्छा, वहाँ भी एक कवि था, वहाँ भी छपे, इसको बताने का फिर जरूरी है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? पाही की माँ। अभी आ गया कौन सा? गद्यखंड, ठीक, गद्यखंड आ गया, तो सिपाही की माँ। अब बोला जाए सिपाही के माँ के राइटर कौन है, बोलिए। मोहन, ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग के बुक में ये लेसन नहीं पाता। सुबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? उसने 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 कहा था, किसने लिखा? चंदर। अच्छा, चंदर शर्मा, ओ सदानीर के, ओ सदानीरा के राइटर के है? जगदीश चंद्र। तिरिच, ठीक है। रोज, हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो गया। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बोलिए। उसने कहा था। अच्छा, ये चारों पांचों क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को क्या सीख मिलता है? लेसन भी पढ़ना है, लेसन बड़ी बारीकी से पढ़ना है, कि उसमें पात्र के बारे में पूछ रहा है कि किस लेसन का पात्र, समझना सा सर, मैंने क्लियर होना ना प्रश्न से, किस प्रकार हिंदी का तैयारी करना है अपने से समझते। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से, और हिंदी भाषी क्षेत्र में होने के कारण अगर जो हम लोग का हिंदी में नंबर कम आता है, एक थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला बात है। अब इसमें 40 से 50 है, और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिहार का मैंने राजकीय भाषा भी समझे हिंदी ही है, और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी आता है, फिर भी हिंदी में कम नंबर आता है, तो दुख वाला बात है। अच्छा, 30 के राइटर बताइए लोग। उदय प्रकाश, ठीक है। और नारीश्वर, रोज के तो ऊपर बात कही नहीं है। धांगरों को छूट गया क्या? धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरादे नहीं मिला करते, अभी वो पूछ रहा है कि किस शीर्षक पाठ से? ने? पूछ दिया जब उसने कहा था कौन राइटर क्या है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें नया लेसन ये को दिया है, शिक्षा के है, तिरिश का, उदय प्रकाश, अरोज का, अखिलन। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक हैं? तो जयप्रकाश, जहाँ समाजवादी है तहाँ जयप्रकाश नारायण के बाद। चलिए,
अच्छा हो गया। अब पूछ दे कि भगत सिंह द्वारा लिखा गया लेसन का नाम। लेख और ये नहीं कि संपूर्ण क्रांति तो इनका है जय प्रगति। पूछ दे कि नामवर सिंह क्या लिखे हैं, बोलिए। प्रगीत और समाज। अच्छा जय कृष्ण मूर्ति। कोई लग रहा है कि लेसन में हार्ड पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव? अभी तक हम लोग को कोई ऐसा दिक्कत एकदम समाप्त हुआ प्रश्न। अब हिंदी का पेपर दीजिए, क्वेश्चन नहीं पढ़िए, जय माता दी रंग दीजिए तो क्या आएगा, इतफाक से 20-25 आ जाएगा। आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का? मलयज का। चलिए मलयज का है, मलयज। अच्छा इस पूछा जाए किस लेसन से है, मेरा ठीक है। चलिए बाकी भगत सिंह के तो अभी पढ़वे की है, एक लेख और एक पत्र। जय कृष्ण मूर्ति। नमोर सिंह। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को उन पर भुला देना चाहिए, यानी जब भी राष्ट्र की बात हो तो अपना सुख दुख भुला जाना चाहिए। जब भी देश के हित में कोई कार्य हो तो हमें पर्सनली अपने बारे में सोचना ही नहीं। ये भगत सिंह छोड़ के कोई कह सकते हैं? एक लेख और एक चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये तो सबसे ज्यादा चाहते थे कि भले मरेंगे लेकिन चार गो को मारे। ओम प्रकाश सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? अच्छा देखिए, अब इसमें आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि लेसन भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। अब बताइए क्वेश्चन बैंक या कुछ ऐसे तैयारी किया जाए तो सफल होइएगा? नहीं, इसके लिए बुक के संपर्क में ही रहना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, आइए अपने से सेल्फ भी लेसन बाई लेसन पढ़िएगा तो बहुत सा ऐसा प्रश्न है जिसके आंसर आपके दिमाग में चलता है। जूठन। अच्छा पूछा जाए जूठन के राइटर के लेखक, ओ सदा नीरा का, सिपाही की माँ, तिरिच। अच्छा गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा नेपाल में सदा नीरा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, इसी में शालिग्राम का पत्र मिलता है, लेसन पढ़िएगा ओ सदा नीरा तो उसमें सब मिलेगा। ठीक, अब पूछा जाए प्रश्न, इसमें नया एक लेसन है अर्धनारीश्वर। तो अभी तक अर्धनारीश्वर हम लोग को नहीं मिला, तो अर्धनारीश्वर के लेखक के हैं भारी से मिला था। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन। इसमें भी याद है, इसमें भी याद है, यहाँ पूरा दिया है। इस नहीं कि बस माधव मुक्ति बोध मार दीजिए चाहे गजानन मुक्ति बोध मार दीजिए, मैंने हड़बराना नहीं है प्रश्न। प्रश्न पढ़िएगा आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी हिंदी में जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जब साफ सुथरा से बना लीजिएगा तो सब्जेक्टिव में उतना जान नहीं रह जाता। मैं ना टटगर दिखाई दे रहा है, पहले ही से देखे हैं उस प्रकार का क्वेश्चन बैंक आ जाता है मार्केट में, तो सबसे पहले टारगेट हमारे दिमाग में फिक्स रहता है कि चलो क्या क्या आने वाला, निबंध हमको लिखना है, लेटर लिखना है, आंसर क्वेश्चन बनाना है, वही टारगेट रहता है ना। तो इसको बड़ी आराम से बना, अगर जो जिसका जिसका 50 में 48 49 ऐसे सही हो जाता है तो उसका प्लस पॉइंट। हम एक दो ऐसे लेते हैं तो फाक से 50 में 50 सही हो जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि ये सब मार्क्स बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो इससे ये भी पता चलता है हम लोग के सीख मिलता है कि हम लोग को लेसन भी देखना जरूरी होगा, यानी लेसन के देखना तो देखना है, राइटर के बारे में पढ़ना होगा, यही सीख मिल रहा है ना। हाँ तो राइटर बार बार बोलते हैं कि राइटर का मैं पढ़िए, बल्कि राइटर के बारे में लिखवाते भी हैं। सेम जो इस प्रकार से प्रश्न आपको हिंदी में पूछा जा रहा है यही पैटर्न इंग्लिश में रहेगा, फर्क क्या पड़ता है बिहार वासियों को इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं देते, इंग्लिश का भी प्रश्न ऐसा ही बनेगा। ठीक,
ये लाइन किस लेसन से है, किसका राइटर के है, फलाना राइटर के जो है शिक्षा कहाँ से लिए थे, उनका घर कहाँ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, ये सब पूछेगा। इसलिए वहां भी पढ़ाया जाता है राइटर। उदय प्रकाश की माता का नाम बताइए। अच्छा, अगर जो हम इस रिलेशन के बारे में, राइटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो बता सकते हैं कि गंगा देवी उनके। अब आप लोग भी जब हिंदी का किताब पढ़िएगा तो उनके पिता का हाईलाइट कर लीजिएगा, माता का हाईलाइट कर लीजिएगा, उनका गांव हाईलाइट कर लीजिएगा, जिला हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बुक होता है गंगा देवी गाँव के कटरा है। अगला, मोहर केस का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अमृतसर। अच्छा, देखिए भी आ गया जन्म स्थान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान बताइए। समझ में आ रहा है ना। ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थान कहाँ था? अच्छा, पूछा जाए कि ज्ञानेन्द्र पति कौन सा लेसन लिखे हैं बताइए। गांव का। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान पूछा जाए। गुड। मोहन राकेश पूछा जाए। इसके पहले उदय प्रकाश कौर के आए हैं। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है बोलिए। उषा जी, अब दिमाग में बात रखिएगा कि अगर जे सुंदरता के बारे में बात कहे तो वहाँ सुंदरता के लिए मार सकते हैं। प्रकृति के बारे में बात करेगा तो जान ही रहे कि पहाड़ के बारे में लिखा होगा, सूरज उदय के बारे में लिखा होगा, नदी के बारे में लिखा होगा, शाम के बारे में लिखा होगा, हर एक प्राकृतिक चीज के बारे में लिखा होगा, तो उसे पहचान सकते हैं कि प्राकृतिक वर्णन संबंधित है। ठीक। अगला है, बीजक के रचयिता कौन? कबीरदास। अब क्या कीजिएगा, आप लोग का एक होमवर्क रहेगा कि सूरदास द्वारा लिखा गया तीन चार गो, तुलसीदास द्वारा रचय, अजयसी द्वारा लिखा गया, सब लेसन के राइटर के जब जीवनी पढ़ेंगे तो उसके नीचे या बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कि कौन सा लेखक क्या किया, अपना रचनाएं किया। ठीक। जैसे सूरदास के लिए कुछ बता देते हैं, सूर सागर है। ठीक। इसी प्रकार सहित लहरी है, उसी प्रकार आपको तुलसीदास का रामचरित मानस है, सबसे बड़ा काव्य इनका रामचरित मानस है, इस पर प्रश्न भी आगे मिलेगा। ठीक। जैसी द्वारा रचित जितना रचना किए हैं वो लिख दीजिएगा, बल्कि यहाँ जब आपके पेपर में होगा तो वहीं लिख दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सब देखने में आगे जब भी पेपर पलट के देखिएगा बहुत सा ऐसा प्रश्न निकल के आ जाएगा आपका। ठीक। और नारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? किसने? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगा? अब बताइए, लेसन पढ़े रहेंगे तो आराम से बन जाएगा इसको। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तुलसीदास। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? ये बात किए हम लोग। रामधारी सी दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी? और दे। अच्छा, अब हम सब चर्चा करके हम लोग आए हैं, बताइए क्लियर। ऊपर वाला जो सवाल से क्लियर होगा तो आगे तो एकदम आसान आसान पड़ेगा हवा के तरफ। यानी 29 का आंसर हो गया और नारी से हुआ। संपूर्ण क्रांति बोलिए। जय प्रकाश की रिच इच्छा। अच्छा, अगला वही से है। जे के समूर्ति की रचना क्या है? एक से दूसरा ब्रिज जैसा बना हुआ। अच्छा, जूठन पूछ दे। अच्छा, रोज पूछ दे। बोलिए, शुरू में था ना रोज। अब बताइए बातचीत। अब वही शुरू में 10 मिनट पर हुआ नहीं डिस्कशन का, अब वही आप लोग बोल जा रहे हैं, तो एकदम कन्फर्मेशन रखिए। आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं।
अब यूँ पिटाई खाने वाला काम कीजिए लोग तो ठीक नहीं ना। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? जो शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं आइए गया। अच्छा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? ऊपर खोज रहे हैं नीचे आंसर है, प्रश्न आ गया ना उसको। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? अब हमको 30-33 तक ले बताओ कि कोई ऐसा प्रश्न था कि सर जी अटपटा दे दिया था जो हमको समझे में नहीं था। हाँ एक ही चीज में नहीं समझ में आएगा, जब हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो समझ में कहाँ। अब हिंदी पढ़ने आएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि 33 तक ले किसी स्टूडेंट को ये को गलती हुआ होगा। बार बार बोला जाता है कि हिंदी के लेसन घड़े पढ़ते रहिए लोग, जो पढ़ते रहे होंगे उनके लिए तो 33 में एक गलती नहीं हुआ होगा। अगर जो गलती आए तो सुधारने की जरूरत है। यहाँ भाई मौका है, फाइनल एग्जाम में गलती को कहिएगा तो जाके का कॉपी चेक होगा कहाँ सुधारिएगा, तो कुछ जैसे नहीं। ठीक अपना सब ठीक रहिए, अभी जितना गलती कीजिए लोग ना उसे सीखिए और उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। ठीक यहाँ हम लोग टेस्ट पीरियड में है, टेस्ट और डिस्कशन में इसे पता चल जा रहा है। एग्जाम में तो पेपर ऐसा ही आएगा आपका, सतर्क रहिएगा। जयसी की रचना निम्न में से कौन? छपिया ठीक है, कबीर उषा। तो दिमाग में रोज उषा कंफ्यूजन में ना रहिएगा, एगो लेसन रोज है एगो है उषा। ठीक दोनों दुई शब्द का रोज और उषा। ठीक समुंदर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? अच्छा प्यारे नन्हे बेटे को राइटर बताइए। यही काम कीजिए विनोद कुमार सही है, अधिनायक का बोलिए। उषा का भूषण की कविता निम्न से कौन है? कौन है कवि? अभी तो पढ़े हैं वो। रघुवीर सहाय की कविता निम्न से कौन था? बोलिए अच्छा बोलिए कितना आसान प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न से कौन है? कड़वा किसकी है? हारजीत भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? अच्छा वीर रस के मतलब है कि देशभक्ति हो, जहाँ देश के लिए अपने जमीन के लिए जान निछावर की बात होता है वह होता है वीर रस। ठीक भक्ति रस मतलब भगवान के भक्ति के लिए होगा, जहाँ तुलसीदास कबीरदास सूरदास मिलेंगे भक्ति रस ऑटोमेटिक मिलेंगे। और जो सुंदरता का व्याख्यान करे निर्जीव से लेकर सजीव तक तो का सुंदरता का व्याख्यान हो उसे क्या कहेंगे? श्रृंगार। आप लोग को ढूंढ के लाना है वह तसल्य रस किसके लिए? ठीक ये किसके लिए ये ढूंढना आप लोग का, अगला के एग्जाम में यही दे दे तो क्या कीजिएगा, छोड़ कहिएगा नहीं ना। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है सजी? निम्न में से किस कहानी में गैग्रीन का उल्लेख है? ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? यानी एक तरीका से देखिए तो गंडक नदी पर निर्भर होता हुआ। अच्छा रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? ठीक है शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा है तो यहीं से टच कर जा रहा है शिक्षा से, लॉजिक नहीं पकड़ सकते हैं। नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे? फगुनो पासक राम भक्त। अच्छा की तो कोनो ऑप्शन में ए ए मार देता तो 40 नंबर 30 नंबर यहीं आ जाता। अब फाइनल अब की 25 में जाके ए मत मार दे।
हिंदी का समानवादी कवि किसे माना गया? तुलसीदास को। अपने लेखक में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित को बेपर्दा किया है? जुआ वर्ग। अच्छा, किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? मैत्रे हुलब्रेक का। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? ठीक, क्वेश्चन पूछी जो नाम ने पढ़े हुए मार देना था। ठीक, देखा ही लग रहा है कि बारह है तो मारने में क्या दिक्कत है? लेसन के अंदर से है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, अभी बहुत प्रश्न है, सब यही 50 पूरा लेंगे का? अभी तो हमको लग रहा है कि अगर जी ठीक से बनाए होंगे तो 40 तक तो नहीं बना दिया। ठीक, कोई लेसन ठीक से देखा होगा तो 40 तक इधर गिर दिया होगा। जैसे लेसन राइटर का नाम था वो तो आसान था ना, उसमें तो दिक्कत नहीं, तो 20-25 तो जरूर हो गया रहता, 30 से कम नहीं होता। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति निम्नलिखित में कौन से थे जी? हार जीत शीर्षक कविता निम्न से किनकी है? अशोक वाजपेयी की है। तो आप पूछ दें कि विनोद कुमार शुक्ल वाला बताइए लोग कौन सा है? मेरे प्यारे नन्हे। अच्छा, पूछ दे रघुवीर सहाय द्वारा बिना। अच्छा, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा जनजन का। प्यारे नन्हे बेटे, अच्छा यहाँ का दे दिया बता सकते हैं? लेसन दे के राइटर पूछ रहा है, कथा राइटर था लेसन। ये कंबाइन करके आपको पूरा आ रहा है 60 गो। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था जी? अर्चना किस कविता का पात्र है? गानो दुरात्मा एक, मानो की आत्मा एक। फिर आ गया बात वही कविता का लाइन पढ़ो, वकाना लेसन का है उसका टिक मार। अब बताओ ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा है कि जिसमें लग रहा है कि सिर से भी ऊपर जा रहा है, भारी है ना उठेगा? कुछ नहीं है सर, प्रश्न बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस बनाने का तरीका और समझने का तरीका। ठीक, समझ ना। कवियों के कवि निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? यह पुराना माल है, अभी आ गया ग्रामर यानी व्याकरण। इन्हें क्या कहेंगे? व्याकरण। अच्छा, पुराना पूछ रहा है, पुराना क्या होता है? संज्ञा सब नाम की विशेषता बताओ, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ग्रामर में कहीं तो डाउट नहीं हुआ होगा। ये वो पद बंद वाला है, वो नहीं मारे होंगे लोग। जो बहुत बोलता है गुड, जो पुरुष अभिनय करता है ऐसी, माने अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं वो योग। ठीक, जिसका तोड़ने पर भी अर्थ निकले, सुना है ना? जैसे विद्यालय भी कह सकते हैं, क्या हो सकता है? विद्या का भी अर्थ निकलता है आलय। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय है, मित्र नहीं हो सकता, मित्रों पर तो विश्वास खोल जाला, रिश्तेदार से जाते मित्र पर भरोसा खोल, जिसका सही में दोष है वो समझता है, और जिसका सही में दोष है वो ज्यादा समझता है। दो होता है, एक दोस्त एक दोस्त। दोस्त क्या करता है कि पहाड़ पर लटको भी, मैंने कोई लटका भी है ना कि अब गिर रहा है तभी हाथ थम ले रहेगा, और दोस्त होता है ना पहले ही निकल लेता है। ठीक, तो जिंदगी बिगाड़ने के लिए आता है दोस्त, और जिंदगी बनाने के लिए आता है दोस्त, ना ना। अब आप लोग सोचिएगा कि दोस्त बनाइएगा कि दोस्त बनाइएगा? दोस्त को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? गिल्टी। दोस्त को फ्रेंड। जिसने यश प्राप्त किया है
तेजस्वी तेजस्वी अब वही बिहार सरकार के तेजस्वी भी हैं, वो ही तो यशे प्राप्त किए हैं। निरीक्षण करने वाला परीक्षा, ठीक है, ये भी सब आसान है। ई जान शब्द कौन सा है? कमल नयन। आजीवन शब्द कौन सा शब्द? गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता है, तो यहाँ गुलाब की बात कर रहा है, इसलिए संज्ञा पद बन, संज्ञा पद बन, मारो हम जो कह रहे हैं तो खुश कर रहा है, ठीक, संज्ञा पद बन। जब क्रिया के बारे में चर्चा हो तो क्रिया पद बन रहता है, और सर्वनाम की बात कर तो इसमें चर्चा हो, इसमें समझो मेन चीज मेन है क्या, तो गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा क्या होता है? संज्ञा, तो संज्ञा पद बन गया। फलता फूलता के बात होता है, तो फलता फूलता का मतलब कार्य कर रहा है, तो क्या लिखते? क्रिया पद बन। अब प्रतिदिन आता तो इसका विशेषता बता रहे कि प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक, तो सब नाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण पद बन है। आगे बढ़ते हैं, पद बन पढ़ा देंगे। कृपांता शब्द कौन सी संज्ञा है जी? क्लियर है। भारतवर्ष कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? झुंड। बताओ, पूछने वाला चीज है, ट्वेल्थ क्लास के लड़का से, और ट्वेल्थ क्लास के लड़का अगर जी चारों में गलती कर दे रहा है तो भाई वो ये ग्रह का आदमी नहीं है, दूसरे भूखंड पर भेजना होगा या दूसरे ग्रह पर भेजना होगा, जाके वही शिक्षा का पता करो। इसलिए बात बोल रहे हैं कि जैसे चौथा पचम में जाइएगा तो हर एक स्कूल का टीचर आपको सबसे पहले संज्ञा पढ़ाना शुरू करता है, और साल लग जाता है सब नाम तक ले जाते, ठीक मैं ना, तो आप समझ जा पूरा व्याकरण चौथा में से पचवा में, पचवा में से छठा में, उसके बाद वो क्लास का कैटेगरी ऐसा रहता है कि लड़का ऑप्शन मारता है तो पांच पांच दिन, दस दस दिन, महीना महीना भाई स्कूल में नहीं जाता, तो उसका हो गया व्याकरण कम्प्लीट, ठीक। मास्टर साहब पढ़ पढ़ के हर एक साल विद्वान होते जा रहे हैं, लड़का से ऑप्शन मार मार के घरे लौ रहे के ज्यादा महान हो। दुस्साहस है, तो दुस्साहस में बोलिए लोग क्या होगा? चलिए अनवेंशन शब्द का संधि भी छेद क्या होगा? अलस शब्द में बताइए उत्सर्ग कुछ, ठीक है मारिए। अज्ञान में भी, परलोक में भी, मैंने शुरू में आए उत्सर्ग और लास्ट में लगे जुर्माना शब्द में बताइए पढ़ते हैं कुछ, है ना, ठीक है। पंकिल शब्द में प्रत्यय बताना है, किले इले, तो बोल रहा है सब रनाटन सही है, इसका मतलब सब सही से। चमक शब्द का बताइए लोग, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होगा, यात्रा, कुहासा, सभा, दो शब्द में निकला है। अनल पानी के कॉल जला आग के, और पर बच्ची बताओ लोग आग के, अगला में कहे हवा के परवाची, समीर वायु हवा, और कुछ हो बोलो लो, अनिल पवन कथी के कॉल जला आगे, पानी वाटर, आकाश के, जमीन, ठीक है, नौ गगन, ठीक, लिख लो लोग जितना जाना तरह लिख लो। अच्छा इसमें भी कोई ऐसा लग रहा है ना, टेढ़ा मेरा नहीं दिया है कि प्रवाची दे दो कि दिक्कत हो, हाँ एक जरूर है कि प्रवाची दिया है, आग लिखा रहता है पढ़ से लोग उस पर ध्यान रख रहा, लेकिन यहाँ दिया उसका प्रवाची, क्योंकि बुक में कहीं भी मिलता है हम लोग को तो आगे मिलता है, ठीक, टनल मिलता नहीं है,
तो इस पर लड़का कंफ्यूज जरूर होगा, इसलिए वो दिया हुआ ठीक। लेकिन जिसको सब याद है वो कहे लग रहा है। आयुष्मान शब्द का पैरावाची बताइए। चिरंजीवी। और पूछ दे। चिरायु, दीर्घायु, पता है ना जी। कनिष्ठ शब्द का विलोम बताइए। चौड़ा का उल्टा विलोम तो बोलते ना। हाँ। बोले चौड़ा का उल्टा और बोली नहीं रहा था। पतला। अच्छा छोटा का लंबा का शिष्य का पूछा जाए परवाची तो क्या बोलिएगा। चेला विद्यार्थी, पुत्र का बेटा, संतान, कुत्ते, ये ना होता है। पवन सुत हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो सारा उसमें बहुत सा परवाची। पवन मतलब वायु का परवाची, या सुत मतलब पवन पुत्र है, पुत्र का परवाची पवन सूत्र पढ़ते है। हनुमान चालीसा पढ़ेगा चाहे शनिचर मंगल के चलो। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है। परदेश। उन्नति का उन्नति। देश का विलोम पूछते तो क्या मारते। राष्ट्र का विशेषण बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उसके बाद राष्ट्रीय का दूसरा क्या। देशीय का विदेशी। अब प्रगति के विलोम बताइए लोग। अप्रगति ऊपर के नीचे, तरक्की के पतन, अधिकतम शब्द का विलोम बताइए। न्यूनतम, अधिकांश के, लघु के, ये सब के क्या बनाएगा। ये सब बनाएगा के बना के सबका रखना है, कुछ का बंद नहीं करता। इसका बंद कौन तो अधिकांश का हो जाएगा, लघु का हो जाएगा क्योंकि लघु पढ़ने के लिए मिलता है ठीक। कख ग कवर गे आ कवर किस से कौन से कालू से कवर टस मुद्दा से टस ओट से पक बड़ी छोटी होता ना वो उठना होता है तब तो इसका मार दिया जाए तालू। कख में क्या है क से कख ग क से कौन हिसाब किताब बराबर कर ठीक। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो तो दिक्कत है। अच्छा टोटल रह भाई बात कहनी है सर। मुर्दा तालू से तसद द कौन से कह ग आदम से बोल लो द तसद द ऐसा तो लिख दो। प फ प ओठ के इस्तेमाल होता बाटे ओष्ट। चलो ठीक। आंखों का आंखों को तारा होना ये नमो सही ना। 40 को 23 से सही होगी। अब यहाँ से उमर सिद्ध तन रंग लियो। चुटकी लेना मुहावरे तो बताइए। वाह। तीर मारना मुहावरे का दिल छोटा करना। पुष्प शब्द का विशेषण क्या है। भी नमो। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। समाज का कौन नंबर ऑप्शन होगा। बी नंबर। संधि के कितने भेद। तीन भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्लियर है। सब पढ़ लिख के फिर लूंगा। कौन आ रहा है ठीक करना। प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, बड़ा चौहाक है। क्वेश्चन मार्क देता तो फट से पकड़ लेते आप लोग ठीक। वो आप लोग का नॉलेज चेक करता है कि दिमागों से सोचता है सब कि बिना दिमाग वाला है सब। कुछ खा लो किस सब नाम का उदाहरण है जी। अनिश्चय वाचक। इसी के साथ आज स्वयं हम लोग हिंदी क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, सही ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए हैं। सही तो नहीं किए जाए हमारे हिसाब से 200 क्वेश्चन का डिस्कशन। सही तो फाइनली प्रश्न था। इस ऑप्शन से जितना डेवलप हुआ है, जितना हो सका हम लोग किए हैं। इसी के साथ आप लोग का हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन क्लास समाप्त होता है। चैनल को आगे बढ़ाइए लोग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा तो कॉमेंट्स करिए जरूर।
कमेंट्स नहीं करते हैं, क्या कमी है उसको बताइएगा, नहीं तो दूर कैसे किया जाएगा, ठीक है।